कांगड़ा जिला से अगली खबर है पालमपुर की, जहां भाजपा के वरिष्ठ नेता रविंद्र सिंह रवि ने प्रदेश सरकार पर राजनीतिक हमला बोला। भाजपा के वरिष्ठ नेता व पूर्व मंत्री रविंद्र सिंह रवि ने कहा कि वायदे करके भूल जाना कांग्रेस की पुरानी आदत है। आज पालमपुर में एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए रविंद्र सिंह रवि ने कहा कि कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव में जो वायदे किए हैं वो पूरे नहीं किए। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने जनता को गुमराह कर बहुमत हासिल किया है, लेकिन अब जनता भी कांग्रेस की हकीकत समझ गई है। उन्होंने प्रदेश सरकार को संयम बरतने और विकास पर ध्यान लगाने की भी सलाह दी। जो घोषणा पत्र में वायदे किए थे, चाहे वो ओपीएस का था, चाहे वो प्रदेश के महिलाओं को, जो लगभग आधी आबादी हिमाचल प्रदेश में महिलाओं की है, उनमें से 18 वर्ष से ऊपर की सभी महिलाओं को 1500 रुपए महीने की पेंशन देना, साथ में 5 लाख नौजवानों को सरकारी सेवा में नौकरियां देना, गोबर परचेज करना, दूध खरीदना, ऐसे कई वायदे उन्होंने वहां पर अपने घोषणा पत्र में किए थे। एक मुंगेरी लाल की हसीन सपने दिखाकर वो टेंट ली। ओपीएस जो केवल मात्र गुमराह किया है प्रदेश के कर्मचारियों को, प्रदेश की जनता, प्रदेश के कर्मचारी जानना चाहते हैं कि इस एनपीएस में अभी तक कितने कर्मचारी शामिल हुए हैं। आपने जो घोषणा की ओपीएस की, हमने ओपीएस के माध्यम से जो लागू कर दिया है, वो कितने कर्मचारियों को उसका लाभ मिला,